प्रकाश विद्यालय के सुनहरे पवित्र प्रांगण में उपस्थित अध्यापक श्री गुरुगण एवं मेरे सहपाठी भाइयों तथा बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको हमारे प्रेरणा स्रोत एवं भारत के महान शासक और प्रखर शासक के बारे में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में आपको जो मैं बताऊंगा वो आप सब ध्यानपूर्वक और शांति से सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। जंग खाई तलवार से युद्ध नहीं लड़े जाते, लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाए जाते। जंग खाई तलवार से युद्ध नहीं लड़े जाते, लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाए जाते। यूं तो लाखों वीर होते हैं पर पृथ्वीराज सिंह चौहान जैसे नहीं। पृथ्वीराज चौहान वंश के एक हिंदू राजपूत राजा थे। वे उत्तर भारत के 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर अपना राज्य करते थे। उनका जन्म सोमेश्वर के यहाँ 1 जून 1163 को हुआ था। पुत्र को इतिहास में वर्णन मिलता है कि पुत्र के पैदा होने की खुशी में पिता सोमेश्वर राजपुरोहित के पास उसका नामकरण करने का निवेदन करते हैं। तब राजपुरोहित उस बालक का नामकरण पृथ्वीराज करते हैं और तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी पवित्रतांतु राज शब्द कृतार्थतां। पृथ्वी पवित्रतांतु राज शब्द कृतार्थतां चतुर्वर्ण धनम नाम पृथ्वीराज इति ज्ञायत। अर्थात कि पृथ्वी को पवित्र करने के लिए और राज शब्द को कृतार्थ करने के लिए इस बालक का नामकरण पृथ्वीराज किया गया है। तो पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया था उनके पैदा होने के कुछ वर्ष बाद। तब वो सन 1178 में सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तब उनकी माता कर्पू देवी ही उनके उन अल्पवयस्क पृथ्वीराज की संरक्षिका के रूप में सब कार्यों का वहन करती थी। तो पृथ्वीराज 6 भाषा में निपुण थे। वो चिकित्सा शास्त्र, वेद, मीमांसा, पुराण सब में उनका ज्ञान उनको प्राप्त था और वो संगीत कला और चित्रकला में प्रवीण थे। वो धनुर्विद्या में पारंगत थे और वो शब्द वेदी बाण चलाने में भी सक्षम हो गए थे। ऐसे अनेक विद्याओं को अर्जित करते करते तरुणावस्था को प्राप्त हुए और उनकी पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थी। उनमें से संयोगिता सबसे प्रियतम और प्रसिद्ध मानी जाती है और अन्य चंद्रावती और पद्मावती वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। उन अल्पवयस्क पृथ्वीराज जो भारत सम्राट के रूप में जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए तब सपाद साम्राज्य के अनेक सामंत और प्रतिप्रवेशी राज्यों ने विद्रोह किया। तब उनमें प्रप्रथम नागार्जुन था जो चौहान विग्रहराज का पुत्र था। सन 1177 में पृथ्वीराज ने नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया था और जो नागार्जुन के विद्रोह में जो शासक थे उनको उनके इस कृत्य के लिए जवाब देने के लिए उन्होंने दिग्विजय अभियान आरंभ किया था। इन्हीं वर्षों में एक घोरी नामक गौ मांस भक्षी वो अपने शासन विस्तार की कामना से भारत के उत्तर भाग में अपने धन और बल से अनेक जनपदों को पराजित कर रहा था और अपने कब्जे कर ले रहा था। तो वो उसकी घोरी की ये अब धर्म विस्तार और शासन विस्तार की नीति के फलस्वरूप सन 1175 से पृथ्वीराज और घोरी के बीच का संघर्ष आरंभ हुआ। उसके बाद सन 1178 में घोरी ने गुजरात राज्य पर आक्रमण करने के लिए वो सज्ज हुआ। तब उसने पृथ्वीराज चौहान से सहायता मांगी गुजरात राज्य पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि तब गुजरात राज्य पर चालुक्यों का शासन चल रहा था और चालुक्य और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच में गृह संघर्ष चल रहा था और इसलिए घोरी ने उसका फायदा उठाना चाहा। लेकिन पृथ्वीराज के मन में पहले से ही घोरी के प्रति घृणा भाव थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारे गृह संघर्ष का कोई
अन्य वैदेशिक गौमांस भक्षी आके फायदा उठाकर भारत पे आक्रमण करे ये पृथ्वीराज को मंजूर नहीं था। इसलिए पृथ्वीराज ने गुजरात राज्य पर अपना एक सैन्य बल गुजरात की रक्षा के लिए भेजा और पृथ्वीराज की सहायता न मिलने के बावजूद भी घोड़ी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गया तो उस युद्ध में उसे ऐसी लज्जास्पद हार मिली कि सबसे पृथ्वीराज और घोड़ी दोनों परम शत्रु बन गए। और इस शत्रुता के बाद पृथ्वीराज और घोड़ी के बीच अनेक लघु मध्यम युद्ध हुए और इस बीच तकरीबन 18 जैसे युद्ध हुए होंगे। तो उसमें हर बार मोहम्मद घोड़ी को पृथ्वीराज ने हराया था और उसे बंदी बनाया था और छोड़ दिया था। और लेकिन जब द्वितीय नारायण युद्ध हुआ तब उसमें पृथ्वीराज की हार हुई क्योंकि उस उनकी सेना का सेनापति जयचंद था जो स्वयं उनके ससुर थे जयचंद। तो जब सुबह का समय था ब्रह्मकाल का मोहम्मद घोड़ी ने अपनी 160,000 कोई भी पूर्व घोषणा किए बिना उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध से पहले ही अनेक हिंदू राजपूत सैनिकों को तो हत्या कर दी गई थी उनकी। फिर जब पृथ्वीराज युद्ध के लिए सज्ज हुए तब तक तो जयचंद उन घोड़ी के साथ मिल चुका था इसलिए वो अपनी सेना लेकर घोड़ी की ओर हो गया और फिर पृथ्वीराज अकेले पड़ गए तो पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। तो मित्रों ऐसा इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि अगर कुल्हाड़ी में हत्था ना होता तो लकड़ी में कभी फाड़ ना होती। अगर कुल्हाड़ी में हत्था ना होता तो लकड़ी में कभी फाड़ ना होती। अगर इतिहास में जयचंद दोगला ना होता तो पृथ्वीराज की कभी हार ना होती ऐसा कहा जाता है। तो जब जयचंद घोड़ी के साथ मिल गया फिर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन कुछ दिनों तक तो घोड़ी ने पृथ्वीराज को इस्लाम धर्म का अंगीकार करवाने का प्रयास करता रहा लेकिन पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे और राजपूत अपना सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते इसलिए वो नहीं माने। इन्हीं प्रयासों के दरमियान उन्हें शारीरिक पीड़ाएं दी गई और इन्हीं शारीरिक पीड़ाओं के दौरान उन्हें अंधा कर दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था चंद बरदाई, उसे खबर हुई कि पृथ्वीराज बंदी बन चुके हैं तो वो अपना वेश परिवर्तन करके घोड़ी के महल में गया और पृथ्वीराज से मिला और उससे बातचीत की। तब पृथ्वीराज से कहा कि आप पृथ्वीराज को पहले चंद बरदाई ने देखा तब वो अंत थे तब उसे अंदर से बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा कि हम इसका प्रतिशोध लेकर रहेंगे हमें क्या करना चाहिए। तब पृथ्वीराज ने कहा कि अब हमारे पास न तो सैन्य है मैं अंध हो चुका हूँ शारीरिक भी अशक्त हूँ अब हम क्या कर सकते हैं। तब चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को अवगत कराया अपनी वो शब्द भेदी बाण चलाने वाली कला से अवगत कराया उसका स्मरण कराया। तब चंद बरदाई ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से एक योजना बनाई और वो घोड़ी से मिलने गए और घोड़ी से मिलने के बाद उनके प्रधान सेनापति से मिले और उनकी सभा में विश्वास पात्र स्थान प्राप्त किया उन्होंने। और वो विश्वास पात्र स्थान प्राप्त करने के बाद एक दिन उन्होंने घोड़ी से बात की कि पृथ्वीराज धनुर्विद्या में बहुत पारंगत है तो हमें उनका ये कौशल देखना चाहिए। तो जब घोड़ी ने कहा कि घोड़ी भी उत्सुक था ये उनकी धनुर्विद्या का कौशल देखने के लिए तो घोड़ी ने एक सभा का आयोजन किया उसमें पृथ्वीराज को लाया गया और उनको एक धनुष दिया और सिर्फ एक ही बाण दिया और पृथ्वीराज घोड़ी ने कहा कि चलाओ बाण भेदो लक्ष्य। तब चंद्र बरदाई बोले कि 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना बोलते ही पृथ्वीराज ने बाण चला दिया और घोड़ी के सीधे गले के आर पार हो गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तो जब घोड़ी की मृत्यु हुई सभा में तब सभी सभाजन देख के उन कौतूहल हुआ मन और तभी जो मौका का फायदा उठाया चंद्र बरदाई ने और वो पृथ्वीराज को वहाँ से अपने अश्वों पर बिठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए। तो मित्रों ऐसा है कि हौसले अगर बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम मुश्किल है और मुसीबतें तो जिंदगी में है आम। तो फिर उसके कुछ काल बाद कुछ समय के बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों हमें यह जो पृथ्वीराज का जीवन चरित्र था उसे अपने जीवन में उतारना होगा। वो उन्हें अपने देश के प्रति अपने भारत देश के प्रति जो देश प्रेम था वो हमें अपने अंदर पैदा करना होगा और जो पृथ्वीराज चौहान में जो गुण थे वो
वीरता, बुद्धिमत्ता और बहादुरता, वो हमें गुणों को धारण करना होगा। तो मित्रों, जो सिराज के पास जो कला थी वो उन्हें अंत समय तक काम आई। ऐसे ही हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए हमें अपने आगे अपने कार्य के पथ पर आगे कार्यरत रहना होगा। तो अंत में मैं बस हम इतना ही कहेंगे कि जुल्म की पहचान मिटाकर रख दे राजपूत, चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे राजपूत। जुल्म की पहचान मिटाकर रख दे राजपूत, चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे राजपूत। अभी हम सूखे पत्तों की तरह बिखरे हैं सभी राजपूत, अगर हो जाए एक तो दुनिया को हिलाकर रख दे राजपूत। जय जय भारत।